पब्लिक टीवी आपकी आवाज। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी दिगंबर जैन मंदिर लोहागढ़ में 105 श्री समर्पण सागर सिद्ध चक्र महामंडल विधान आरंभ रहा। जैन समाज द्वारा जैन मंदिर में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया, साथ ही भजन कीर्तन के साथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जैन समाज की आस्था के साथ पूजा की और साथ ही श्री सागर महाराज के प्रवचनों ने सारा वातावरण भक्तिमय कर दिया। इस दौरान कुलाधिपति सुरेश जैन, मनीष जैन, अनिल जैन, राजीव जैन, अरविंद जैन, समीर जैन, दिनेश जैन, नीलम जैन, शिका जैन, सीमा जैन, नीलम जैन व उनके साथियों ने संगीत के माध्यम से श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। भूल जाओगे और गिड़गिड़ाते रह जाओगे, इसलिए आज हमने सिद्धों की आराधना करते हुए प्रातः काल कहा था कि सया निच्च कालम अंचेमि पूजेमि वंदामि नमस्सामि दुख को कम को वही लाओ सुनी गण समाय हो बच्चा। उस जिगुण संपत्ति की प्राप्ति की बात हम कर रहे थे। कल मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि वह स्थान, वह भूमि, वह क्षेत्र, जिस क्षेत्र की चर्चा, जिस जगह की चर्चा, जिस नगरी की चर्चा, शायद जैन दर्शन का ऐसा कोई ग्रंथ हो, पुराणिक ऐसा कोई ग्रंथ हो, ऐसा कोई चारित्र का ग्रंथ हो, ऐसा पुराण ग्रंथ हो या वर्तमानु युग का ऐसा कोई ग्रंथ हो जिस ग्रंथ में उस नगरी की चर्चा न होती हो, ऐसा शायद ही कोई ग्रंथ पढ़ने का हो। ऐसी वो कौन सी नगरी हो सकती है जिस नगरी की चर्चा प्रत्येक स्थान पर की जाती हो और जिसमें मैंने आपसे कहा विशेष रूप से जैन दर्शन का इतिहास उस नगरी का भरा पड़ा हुआ है, ऐसी कोई नगरी है तो वह नगरी कौन सी है? वाणी कौन सी? जिनवाणी चैनल वाली हस्तिनापुर राजगृह और चलो बड़ी महत्ता है और वह नगरी इतिहास से ले ले, चाहे उससे पूर्व मुनि सूरतनाथ के समय के इतिहास से ले ले, चाहे अन्य और कोई इतिहास उठाकर देख ले, एक कहीं ना कहीं उज्जैनी नगरी का बहुतायत मात्रा में पूर्व भाव के अनेक ऐसे उदाहरण मिलते जिसमें उज्जैनी नगरी का बहुत बड़ा वर्णन सिद्ध चक्र विधान जो 13 तारीख से प्रारंभ हुआ, आज उसका चौथा दिन था और आज 128 अर्घ महाराज श्री ने चढ़वाए हैं और अभी लगभग 1000 से भी ज़्यादा अर्घ रह गए हैं जो आगे आगामी दिनों में चढ़ने वाले हैं। बहुत से सांस्कृतिक प्रोग्राम भी साथ साथ चल रहे हैं, महिलाओं में और पुरुषों में सभी में बहुत उत्साह है और इस विधान को लेकर पूरी नगरी, जितनी जैन समाज है हमारे, वो सभी जागृत है।